सहजो कहती है, राम तजूं पर गुरु न बिसारूं, कृपया इसे समझाएं। सहजो संत चरण दास की शिष्या है और संत चरण दास दिल्ली के संत हैं। बड़ी ऊंचाई है, बड़ी ऊंचाई छुई है संत चरण दास ने, और इनकी दो प्रमुख शिष्याएं हैं सहजो और दया, और दोनों शिष्याओं ने भी बड़ी ऊंची ऊंचाई छुई है। तो आज सहजो की इस पंक्ति पर पंक्ति जो है उससे संबंधित ये प्रश्न है, और बड़ी अद्भुत बात कहती है, बड़ी क्रांतिकारी बात कहती है और बड़ी प्रेमल बात कहती है। राम तजूं पर गुरु न बिसारूं, कहती है कि मैं राम को त्याग दूंगी, अगर त्यागने की ज़रूरत पड़े कभी, या तो राम को रखो या गुरु को रखो, सहजो तुम किसको रखोगी? तो कहती है कि नहीं, तब राम को त्यागने के लिए तो मैं तैयार हूँ, गुरु को त्यागने के लिए तैयार नहीं हूँ। और इसको समझने के लिए एक पुरुष और स्त्री की दृष्टि को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये पुरुष और नारी की जो दृष्टि है ज़रा विपरीत दृष्टि है। पुरुष है उसकी दूर दृष्टि रहती है और स्त्री की हमेशा निकट दृष्टि रहती है। ये मौलिक भेद है पुरुष और स्त्री में। जो प्रेम है वो पुरुष के लिए बंधन है, लेकिन स्त्री के लिए वही प्रेम मुक्ति है। ये अद्भुत बात है, और स्त्री ही पूरा शिष्य हो सकती है। उपासनी महाराज संत हुए, महाराष्ट्र के संत हुए, सत शिरडी के साईं बाबा के वे शिष्य हुए, और उपासनी महाराज ने भी शिरडी के साईं बाबा की तरह प्रेम की साधना की, और उन्होंने किसी पुरुष को अपना शिष्य नहीं बनाया, किसी पुरुष को शिष्य नहीं बनाया। लोगों ने पूछा भी कि आप किसी पुरुष को अपना शिष्य क्यों नहीं बनाते? उन्होंने कहा कि पुरुष जो है वो प्रेम सच्चा कर ही नहीं सकता। महात्मा गांधी भी उनके पास गए, हमें अपना शिष्य बनाइए। उन्होंने कहा कस्तूरबा को तो बना सकता हूँ, तुम्हें अपना शिष्य मैं नहीं बना सकता। और उन्होंने 100 महिलाओं को अपने शिष्या बनाया, लेकिन किसी भी पुरुष को शिष्य नहीं बनाया। वैसे जो मेहर बाबा थे वे उपासनी महाराज का शिष्य अपने को बताते थे, लेकिन वो एकलव्य वाली बात थी। जैसे एकलव्य गुरु द्रोण को अपना शिष्य मानता था, उसी तरह मेहर बाबा उपासनी महाराज का शिष्य अपने को बताते थे, लेकिन उपासनी महाराज ने कभी मेहर बाबा को अपना शिष्य नहीं कहा। तो ये जरा मौलिक भेद है। तो कहती है, अब इस बात को तुम समझ पाओगे कि सहजो क्या कहना चाहती है। कहती है, राम तजूं पर गुरु न बिसारूं और गुरु को सम हरि को न निहारूं, कि गुरु के समकक्ष हम नहीं रख सकते परमात्मा को। अगर गुरु आ जाए और गोविंद आ जाए तो गुरु के आसन के थोड़ा नीचे ही मैं परमात्मा का आसन लगाना चाहूँगी, उसको बिठाना चाहूँगी। तो इसका एक बड़ा कारण है कि मुक्त पुरुषों ने गुरु को परमात्मा के समतुल्य रखा है, ऊपर नहीं रखा है, लेकिन मुक्त स्त्रियों ने गुरु को परमात्मा से ऊपर रखा है। ये जरा मौलिक भेद है मुक्त स्त्रियों में और मुक्त पुरुषों में। और करीब करीब गुरु की महिमा स्थापित करते हुए वो शायद स्त्रैण भाव में प्रतिष्ठित होकर के मैंने भी आनंद गीता में लिखा है, हरि के पीछे जो जाता है रीता का रीता रह जाता, जो झुका संत के चरणों में पीछे पीछे हरि आ जाता, गुरु के पीछे गोविंद खड़ा बाकी सब धर्म कर्म पछड़ा, अत सद्गुरु शरणम गच्छामि भज ओशो शरणम गच्छामि। तो अब जो है सहजो और स्वयं कारण भी बताती है कि गुरु को गोविंद के ऊपर रखने के लिए वो 7 कारण बताती है। तो आओ उन 7 कारणों को जानते हैं जिसके लिए उसने गुरु को गोविंद से ऊपर रखा है। पहला कारण बताती है कि हरि ने जन्म दियो जग माही, आ गुरु ने आवागमन छुड़ाही। क्या किया गोविंद ने, क्या कर दिया? संसार में जन्म दे करके हमें तो फंसा दिया, इस माया में फंसा दिया, और गुरु ने क्या किया? ये आने जाने का जो चक्कर है, इस चक्कर से हमको मुक्त किया है। ये जो 84 लाख योनियों का चक्कर है, इससे हमको मुक्त किया उन्होंने। तो लेकिन एक बात समझने की है कि ये कोई वो शिकायत नहीं कर रही है गोविंद से, वो उलाहना दे रही है।
शिकायत और उलाहना में जरा फर्क है, इस बात को समझना कि शिकायत का संबंध कामना से, तुम्हारी कामना पूरी नहीं हुई, तुम्हारे मन में शिकायत पैदा हुई। उलाहना का संबंध प्रेम से है, वो प्रेम पूर्वक उलाहना दे रही है। क्यों उलाहना दे रही है, तो इस बात को ठीक समझो। ये जो सात कारण बता रही है सहजो, ये तर्क नहीं है, तो कोई रीजनिंग नहीं दे रही है, कोई लॉजिक नहीं दे रही है, बल्कि विनोद कर रही है, विनोद कर रही है, हास्य विनोद कर रही है। उस ऐसे संदर्भ में इसको समझना तो बात समझ में आएगी। वैसे भी एक संस्कृत का कवि कहता है, काव्य शास्त्र विनोदेना कालो गच्छति धीमताम, व्यसने न च निद्रायाम, व्यसने न च मूर्खा, व्यसने न च निद्रायाम निद्रया कलहेनवा। कहते हैं कि जो काव्य शास्त्र चर्चा में ही बुद्धिमानों का समय जाता है, और बाकी जो मूर्ख होते हैं वो कलह में, व्यसन में, इन्हीं सब में, या बहस करने में, वाद विवाद करने में, मूर्खता करने में, ये मूर्खों का समय उसमें जाता है। तो यहाँ पर जो कारण बता रही है सहजो, इसको विनोद स्वरूप मान करके लोग हैं तो बात समझ में आएगी। ये कोई ऐसा नहीं कि सचमुच वो वाद विवाद करके सिद्ध करना कोई बात चाह रही है, ऐसा नहीं है। दूसरा कारण जो बता रही है वो कह रही, हरिने पांच चोर दिए साथा। गोविंद ने क्या किया, काम क्रोध लोभ मोह मद, ये पांच चोर, ये पांच जो रिपु हैं, ये साथ में लगा दिया। और गुरु ने क्या किया, गुरु ने लई छुटाए अनाथा। और हम तो अनाथ थे, मेरा कोई स्वामी नहीं था, लेकिन हम तो फंसे थे, लेकिन गुरु ने हमको छुड़ा लिया, इन पांच चोरों से हमको मुक्त कर दिया। तीसरा कारण सहजो बता रही है, हरिने कुटुंब जाल में घेरी। कहते हैं कि गोविंद ने क्या किया, ये कुटुंब, ये संबंध, ये परिवार, इसमें तो उलझा दिया है, संबंधों के जाल में घेर लिया। लेकिन गुरु ने क्या किया, गुरु ने काटी ममता बेरी। लेकिन ये ममता की जो बेड़ी हमारे हाथ और पैरों में लगी थी, इसको गुरु ने काट दिया। तो क्योंकि वास्तव में स्त्री की जो बेड़ी है वो ममता है, और पुरुष की बेड़ी अहंकार है, मैंपन है। ये सूक्ष्म भेद समझने का है। और फिर चौथा कारण क्या सहजो बता रही है, हरिने रोग भोग उलझायो। गोविंद ने क्या किया कि भोग में फंसा दिया, रोग में फंसा दिया। और गुरु ने क्या किया, गुरु योगी कर सबय छुटायो। गुरु ने योगी बना दिया, योगी को कहाँ रोग होता है, तो रोग से भी मुक्त कर दिया। और क्या गुरु, और फिर क्या कर दिया, भोग से भी मुक्त कर दिया, रोग से और भोग से, दोनों से गुरु ने हमें मुक्त कर दिया। पांचवा कारण क्या बता रही है, हरिने कर्म भरम उर्झायो और गुरु ने आत्म रूप लखायो। गोविंद ने क्या किया, हमें कर्तापन होने का भान दिया कि कर्म करने वाले हम खुद हैं, और इस तरह हमारे भीतर एक अहंकार, कर्तापन का अहंकार पैदा कर दिया। और गुरु ने क्या किया, गुरु ने आत्म रूप लखायो, गुरु ने आत्मा का रूप दर्शन करा दिया। और आत्मा तो करता है नहीं, आत्मा तो अकर्ता है, ये बात हमको दिखा दी, ये बात हमको उसने समझा दी। और ये दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हरि ने हमें कर्ता भाव दिया और गुरु ने हमें अकर्ता भाव दिया। छठा कारण जो सहजो दे रही है, करिए, हरि ने मोसों आप छिपायो। गोविंद ने क्या किया, अपने को छुपा लिया, लुका छिपी का खेल हमारे साथ वो खेलता रहा। हरि ने मोसों आप छिपायो, कहीं वो दिखता नहीं है, इंद्रियां हमारी थक जाती हैं, आँख देख नहीं सकती उसको, कान सुन नहीं सकते हैं, लेकिन हरिने मोसो आप छिपाओ और गुरु दीपक दे ताही दिखायो। गुरु ने ऐसी दिव्य दृष्टि हमको दी कि अब हम नाद के रूप में, नूर के रूप में, अमृत के रूप में, आनंद के रूप में, प्रेम के रूप में, और ब्रह्म कण के रूप में, आत्म कण के रूप में हम उसका दर्शन कर सकते हैं। तो गुरु की महिमा अब कैसे कही जाए। कहते हैं कि सातवां कारण बता रही है, फिर हरि बंध मुक्ति गति लाए। और गोविंद ने क्या किया, बंध और मुक्ति का खेल निर्मित कर दिया। पहले तो बंध में डाल देता है और फिर कहता है साधना करो, मुक्ति के लिए साधना करो। ये गजब का नाटक, गजब की लीला प्रभु ने रची है। लेकिन
मेरे गुरु ने क्या किया, गुरु ने सभी भ्रम मिटायो, बंद का भ्रम तो मिटाया ही, मुक्ति का भ्रम भी मिटा दिया। क्यों मिटा दिया? क्योंकि उस मेरे गुरु ने बताया आत्मा तो सदा ही मुक्त है, वो तो चेतना का बंद होता है और चेतना की मुक्ति होती है। आत्मा कब बंधी, आत्मा की मुक्ति क्या है, आत्मा तो सदा ही मुक्त है। ये जो सात कारण है तो ये उलाहना, लेकिन बहुत ही प्यारी उलाहनाएँ वो देती है और प्यारे कारण भी बताती है। अंत में कहती है, चरण दास पर तन मन वारूँ, आ गुरु न तजूँ हरि को तज डारूँ। कहते हैं अपने गुरु चरण दास पर मैं अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपना जीवन सब कुछ बलिहारी जाती हूँ और गुरु न तजूँ हरि को तज डारूँ। अगर वास्तव में ऐसी समस्या खड़ी हो गई, ऐसा चुनाव हमारे सामने आया, तो चुनाव बड़ा कठिन है, फिर भी गोविंद को का त्याग कर सकती हूँ, अपने गुरु का त्याग मैं नहीं कर सकती हूँ। इस बात को कबीर साहब ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा है, गुरु गोविंदो खड़े का को लागू पाएँ, और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। कहते गुरु और गोविंद दोनों मेरे सामने खड़े हो गए हैं और अब एक धर्म संकट पैदा हो गया है कि मैं किसको पहले प्रणाम करूं। तो कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, अब बलिहारी गुरु आपने, इशारा करते हैं कि गुरु की बलिहारी हूँ, अगर गुरु नहीं होते तो गोविंद का परिचय कौन कराता, इसलिए मैं अपने गुरु को पहले पाँव लगना पसंद करूँगा, गोविंद को दो नंबर पर रखूँगा। इस बात को कबीर साहब अन्यत्र बड़े मज़े से कहते हैं, गुरु समान दाता नहीं जाचक शिष्य समान। कहते हैं गुरु से बढ़ करके दाता कौन होगा और शिष्य से बढ़ करके याचक कौन होगा। तीन लोक की संपदा सो गुरु दीना दान, ये तीनों लोक की संपदा क्या है, परमात्मा स्वयं है और मेरे गुरु ने उसका दान कर दिया। तो सचमुच में गुरु से बड़ा कौन, इतना बड़ा दान कौन दे सकता है, और शिष्य से बढ़कर शिष्य से बढ़कर याचक कौन है, क्योंकि स्वयं परमात्मा के दान से कम पर राजी नहीं है शिष्य। तो सबसे बड़े दाता और सबसे बड़े याचक के रूप में गुरु और शिष्य होता है। कहते हैं कि इसको, इस बात को दीवाने मुर्शिद में हमने लिखा है, मेरे मुर्शिद की तरह कौन खुदा देता है, कोई ज़्यादा से ज़्यादा दैर या हरम देगा। मेरा गुरु मेहरबान हुआ तो उसने साक्षात परमात्मा को मुझे दे दिया, बाकी तो अपना पंडित है, पुरोहित है, कथावाचक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या देगा कि मंदिर या मस्जिद तक पहुँचा देगा, इससे ज़्यादा वो नहीं दे सकता। तो आज सत्संग को यहीं पर विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।